हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी बहुत पहले जब मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था इस क्रीम के बारे में, और ये क्रीम सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे व्यूवर्स के आए मेरे पास कि मैम कैसे क्रीम है, कितने रुपये मिलती है, कैसे ट्राई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या फ़ायदे है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो फाइनली मैं इसके बारे में आप लोग के लिए सारी चीज़ें डिटेल में लेकर आ गई हूँ। अगर आपके भी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऑल स्किन टाइप, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, ऑल स्किन टाइप है, बहुत ही ज़्यादा जादुई क्रीम है ये, तो कैसे अप्लाई करना है, क्या है, कैसे है, सब कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा है, कुछ चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और आप उसका फ़ायदा उठा पाओ। तो लुक को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही। मैंने दोबारा से नोएडा में शिफ्टिंग हो गई, मैंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, भगवान की कृपा से चल भी जाएगा और फिर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्या किया है, कैसे किया है, सब कुछ। तो चलिए क्रीम के बारे में बात करते हैं। तो ये सोफ्रामाइसिन क्रीम, ये मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगी। जब मैंने इस वीडियो इस क्रीम के बारे में बताया था आपको तो ये 37 रुपीज में मिलती थी, बट अभी ये 51 रुपीज में मिलती है, यानी कि 37 रुपये से 51 रुपये तक का सफ़र। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए ये मैं 55 हो चुका है इसका MRP। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 55 हो चुका है, 55 रुपये में मिल रहा है अभी ये। तो ये क्रीम है सोफ्रामाइसिन, आपको मेडिकल स्टोर पे जाना है। सोफ्रामाइसिन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या नाम है, सोफ्रामाइसिन नाम है इस क्रीम का। और ये पैकेट में इस तरीके का है, निकालने के बाद इस तरीके का है। ओके, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी स्किन ब्लैक पड़ गई है धूप लगने की वजह से, या फिर जो ग्लो चाहिए वो ग्लो नहीं मिल रहा है, ये नोज का बहुत सारी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी फेयर बना देते हैं एक ही यूज में, बट उनका साइड इफेक्ट तो आप जानते ही होंगे अगर आपने यूज किया है। तो सोफ्रा वो सारी क्रीमें जो मैलाज होगी, नोस्कार होगी, बहुत सारी ऐसी क्रीमें आपकी स्किन से परत को निकाल देती हैं, एक परत, और गोरा तो बना देती है, बट जैसे ही आप उस क्रीम को छोड़ते हो उसका बहुत ही गंदा रिएक्शन आपके चेहरे पे देखने को मिलता है, जैसे कि स्किन ब्लैक पड़ जाना, जल जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम। बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। ये स्किन में अगर आपके बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गई है तो आप इसको यूज करोगे तो एक से दो बार में आपका टैनिंग रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मेरी स्किन पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था, मैंने सिर्फ दो बार यूज किया, मेरा स्किन काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रेडनेस है, कुछ भी लगाने से डरते हो और स्किन को जो लुक चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो भी आप उस केसेज में इसको ट्राई कर सकते हो। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत डल दिखती है, डार्क स्पॉट्स हैं, छाइयाँ हैं, उस केसेज में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन अब बारी आती है, ये तो ड्राई स्किन पे फ़ायदा करता है, बट अगर आपकी स्किन एक्सेस ऑयली है और ऑयल की वजह से आपकी स्किन में बहुत पिंपल्स आ रहे हैं तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। आपके पिंपल्स को रिमूव करेगा, साथ के साथ उसके सब डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उसको भी रिमूव करते हैं, एंड जो आपका डार्क सर्कल होता है उसको भी रिमूव करता है। ब्लैक गर्दन की प्रॉब्लम है उसको भी रिमूव करेगा, ब्लैक कौन ही है, अंडर आर्म्स में से बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपके अंडर आर्म्स ब्लैक क्यों नहीं है, रीज़न यही है। जब भी मेरे स्किन में, बॉडी पार्ट्स में कहीं भी ब्लैकनेस की प्रॉब्लम होती है मैं यही क्रीम यूज करती हूँ और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वीडियो में मैंने उस टाइम मैं नया यूज कर रही थी तो मुझे उतना नहीं पता था, बट अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, हल्का फुल्का कट जाए, जल जाए, उस पर भी काफ़ी अच्छा असर करता है। जैसे स्किन में कभी कभी कोई चीज़ अपने लगा ली और तुरंत साइड इफेक्ट हो गया, स्किन में जलन होने लग गई, स्किन बहुत ज़्यादा इचिंग करने लगी, उस केसेज में भी आप इसको लगा रहे हो 5 मिनट के अंदर आपकी स्किन ठीक कर देगी और बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा, स्किन में अलग से ग्लो ऐड करता है। आप बहुत सारी मार्केट की चीज़ें अप्लाई करके थक चुके हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप एक बार मेरे कहने पे इस क्रीम को ट्राई करके देखो। मुझे कोई इस क्रीम को वो करने के लिए ना पैसे मिले हैं ना कुछ भी है, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका रिजल्ट, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाओ। तो ये तो बात हो गई चेहरे के लिए, स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, ऑल स्किन टाइप, ऑल स्किन प्रॉब्लम, वन सॉल्यूशन, सोफ्रामाइसिन क्रीम, आंख बंद करके ले लो। 3 से 4 साल से मैं इसको कंटिन्यू यूज कर रही हूँ,
कंटिन्यू तो नहीं बोलेंगे, मतलब बीच बीच में छोड़ भी देती हूँ, लेकिन जब भी मुझे स्किन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है मैं इसको यूज कर लेती हूँ। या फिर आपने कभी कई बार देखा होगा कि हम लोग धूप में जाते हैं हमारी स्किन पे ब्लैक ब्लैक पपड़ी आ जाती है और वो 4 से 5 दिन में धीरे धीरे रिमूव होती है, बट इसको आप लगा लोगे तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। अब इससे अच्छा क्या होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल गारंटी के साथ, 100% गारंटी है, और स्किन प्रॉब्लम सिर्फ वन सॉल्यूशन सोफ्रामाइसिन क्रीम। सोफ्रामाइसिन क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस, तो उसको आंख बंद करके आप ले सकते हो। एंड ये तो बारी बात होगी स्किन के बारे में, ये कितना असर करता है। अब बात आती है बालों के लिए, फेस वाली क्रीम कभी बालों पर अप्लाई की है? मैंने की है, और ये बहुत अच्छा असर करता है। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे रफ हैं, ड्राई हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं अपना बाल अभी काटने वाली थी, बट मैंने इसी को अप्लाई किया है एंड मेरा हेयर फॉल 50% तक रुक गया है। बालों का टेक्चर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा झाड़ू डल डैमेज दिखते थे, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल दिखने लग गए हैं। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बालों में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए मैंने हेयर वॉश किया है बट कुछ अप्लाई नहीं किया, तो इसको थोड़ा सा लूंगी, इतना सा ऐसे मिक्स करके बालों में अप्लाई कर दो। जो बाल ड्राई हो रहे हैं ना, डैमेज से लग रहे हैं, नीचे से बाल बहुत ख़राब दिखते हैं, तो वो आपका बहुत ज़्यादा मैनेज हो जाएगा और बालों में से कंघी ऐसे फिसल के गिरेगी, कहीं भी बाल फंसेगा नहीं। तो आप इसको कंडीशनर की जगह पे भी यूज कर सकते हो, आपका हेयर फॉल भी साथ साथ में खत्म होगा। कंडीशनर आप स्कैल्प पे यूज नहीं कर सकते हो कंडीशनर, बट इसको आप अपने स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। तो और अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपनी जड़ों में अप्लाई करना, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देना, उसके बाद जो भी शैम्पू आप यूज करते हो वो यूज कर लेना। आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक गया और आपके बालों में जितनी भी दिक्कत थी सारी खत्म हो जाएगी सिर्फ इस एक क्रीम की वजह से, इस एक क्रीम को अप्लाई करने के लिए। तो 3-4 सालों से जो भी लोग मुझे कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं कि मैम इस क्रीम के बारे में बताइए, कितने रुपए का है, कैसा है, कैसे अप्लाई करना है, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फेस पे मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है और पसीना बहुत होता है इसको लगाने के बाद से, लेकिन फिर भी मैं लगा के दिखा देती हूँ। मैंने इतना सा लिया है, इसको अच्छे से फैलाएंगे, बस इस तरीके से आप इसको एक बार यूज करो, आप मुझे जरूर कमेंट करो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जिन भी लेडीज को ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, अपनी स्किन केयर नहीं कर पाती हैं वो लोग, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये एक क्रीम यूज कर सकते हो और आपके स्किन का जो प्रॉब्लम खत्म होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस लेकर आते रहती हूँ। मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं अपना आईब्रो भी बनाने नहीं जा पा रही हूँ, हो सकता है तो आईब्रो की वीडियो जल्दी लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो वीडियो थोड़ी सी भी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि आजकल सबको स्किन एंड हेयर की प्रॉब्लम हो रही है और इतना ईजी और इतना फास्ट रिजल्ट देने वाला चीज़ कोई नहीं बताएगा, है ना, बहुत हेल्पफुल। तो लाइक तो बनता है और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मैं जा रही हूँ अपना काम करने, ये देखो कितना सारा काम पड़ा है, इस चेयर पे इतना सारा कपड़ा है सिलाई करना है, मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, मशीन के नीचे भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और इतना मैंने रेडी करके यहाँ पे मशीन पे रखा हुआ है। तो मिलेंगे फिर से, काम बहुत ज़्यादा है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक काम करती हूँ, उसके बाद से सुबह उठ के जब भी नींद खुल जाती है रात में, उस टाइम में स्टार्ट हो जाती हूँ ये काम करना, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरत है इसलिए मैं कर रही हूँ। फिर बाद में वीडियो भी बनाना होता है, शेयर करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ब्लॉग वीडियो भी स्टार्ट कर दूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।